In this question, one source of sound and one iron bar is given. At the one end of this iron bar, sound is placed and sound is coming from this source. The distance from A to B, the length of bar is 2 km. And at the point B, two sounds are heard. First sound heard by the air, and second sound heard by the iron bar so s1 for uh, air and s2 for the iron bar time taken to travel the sound in the air we consider t1 t2 and time travel in the iron uh, of the sound in the iron bar we consider as a t1 and the speed of sound in the air is given that yeah velocity is given that 330 meter per second in the question we have to find the speed उंड ट्रेवल इन दी है आव टू गिवन दिफरेंस ऑफ टी वन एंड टी टू टाइम इंटरवल एंड दिस इज द टी टू माइनस टी वन फाइव पॉइंट सिक्स सेकेंड मतलब दोनों के टाइम के बीच का जो डिफरेंस है वो है फाइव पॉइंट सिक्स सेकेंड सो so, चलिए इस प्रॉब्लम के अंदर हमें वेलोसिटी फाइंड करना है साउंड की जो बार के अंदर है और हमें फाइंड करना है इसके अंदर टाइम पीरियड तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं सो so, देखिए हमने यहां पे फॉर्मुला यूज करा है टाइम डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी एंड डिस्टेंस इज द 2000 मीटर किलोमीटर गिवन था हमें और वेलॉसिटी इज गिवन थ्री ये स्पीड ऑफ हम साउंड uh, निकाल रहे हैं एयर का सो so, टी की वैल्यू आएगी सिक्स पॉइंट इसका मतलब इस सोर्स से जब साउंड ट्रेवल करेगा तो पॉइंट बी पे जो टाइम लेगा वो 0.06 पॉइंट जीरो सिक्स सेकेंड लेगा विदोसिटी अब चलिए हम कैलकुलेट करते हैं टी वन टाइम इंटरवल कितना होगा सो देखिए टी टू माइनस टी वन हमें इंटरवल ऑलरेडी गिवन है 5.6 हम T2 की वैल्यू फाइंड कर चुके जीरो जीरो सिक्स हम यहां सब्टीट्यूट करेंगे और हम टाइम इंटरवल टी वन फाइंड करते हैं सो so, कैलकुलेट करने पे हमें वैल्यू मिलेगा देखिए सब्टीट्यूट करा तो हमें टी वन मिल जाएगा पूरा कैलकुलेट करने पे जीरो पॉइंट फोर सिक्स सेकेंड अब हमारे पास में ट्रेवलिंग टाइम भी आ गया है बार के अंदर का अब हमें इसकी वेलोसिटी निकालना है तो हम एक बार फिर से यही फॉर्मूला यूज करेंगे जहां पे हमें वेलोसिटी फाइंड करना है डिस्टेंस वही टू थाउजेंड मीटर ही होगा और टाइम देखिए अभी हमने फाइंड कराए जीरो uh, पॉइंट फोर सिक्स तो हम यहाँ से वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं सो यू कैन सी दैट हमने वैल्यू यहाँ पे सब्जीट्यूट करी वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम सो आयरन बार का जो वेलोसिटी निकल के आएगा वो 4348 मीटर पर सेकेंड आएगा इसका मतलब हम देखेंगे यहाँ पे 0.46 पॉइंट सेकेंड में साउंड ट्रेवल करेगा टी टू टी वन की वैल्यू और जो वेलोसिटी निकल के आएगा वो साउंड का होगा 4348 मीटर पर सेकेंड